तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। क्या आपको कहानी सुनना है? यस मैम। इसका शीर्षक है खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुआ में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दिन एक साथ बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि क्यों ना हम दोनों प्रतियोगिता का खेल खेलें। और खरगोश ने कछुआ को प्रतियोगिता के लिए उत्प्रेरित किया और वह दोनों रेस के लिए तैयार हो गए। और एक दिन कछुआ और खरगोश में रेस हुई, प्रतियोगिता हुई। जानते हो बच्चों, प्रतियोगिता किसे कहते हैं? रेस को। और कछुआ और खरगोश दोनों आगे निकले। धीरे धीरे खरगोश बहुत आगे निकल गया और कछुआ पीछे रह गया। खरगोश जब बहुत आगे निकल गया और देखा कि कछुआ पीछे नहीं है, बहुत पीछे है, तो वह एक पेड़ के पास बैठ गया और बैठे बैठे उसे बहुत गहरी नींद आ गई। वह सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलते चलते पेड़ के पास आया और देखा कि खरगोश बहुत गहरी नींद में सो रहा है। बेचारा कछुआ फिर आगे बढ़ते चला गया और बढ़ते 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 अपने मंजिल तक वह पहुंच गया। और इस तरह कछुआ विजय हुआ और खरगोश पीछे रह गया और बहुत अफसोस किया। बच्चों, किसी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और कछुआ को, खरगोश को अपने ऊपर बहुत घमंड था, इसलिए वह प्रतियोगिता में पीछे रह गया। इसलिए बच्चों, अच्छे बनने की कोशिश करना चाहिए, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।